सो है हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आइए आज का काम शुरू करते हैं। ये है हमारा कैक्टस। कैक्टस वैरायटी प्लांट है गाइस, ये जो कि हमने नर्सरी से चुरा कर लाया था, ओनली फॉर वन ब्रांच। वन ब्रांच से देख सकते हैं आप कितना सारा हो गया है इसमें। देखिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है गाइस, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इतना कॉस्टली। तो हमने इसका एक डंडी चुरा कर लाया था। एक डंडी से ही कितना ज़्यादा प्लांट हो चुका है देख सकते हैं आप। देखिए आपके सामने है रिजल्ट इसका, तो देख सकते हैं। चलिए आइए आज इसका रिपोर्ट करते हैं, हम इसको रिपोर्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे आपको। चलिए आइए, हमने ले लिया है एक छोटा सा पॉट। ये छोटा जो पॉट है इसको हटाकर उससे ज़रा बड़ा वाला ले लेंगे हम। कैक्टस जो प्लांट है गाइस, ये है रेगिस्तान का प्लांट जो कि रेगिस्तान में लगता है। आमतौर पे तो रेगिस्तान में ही रहता है, यहाँ पर तो नहीं रहता है ज़्यादातौर पे। बहुत कम मेंटेनेंस का प्लांट है ये, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए इसको, ज़्यादा पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये धूप में ही रहता है हमेशा। तो देख सकते हैं हमने जो सॉइल मिक्स किया था गाइस, जो हमारा पुराना सॉइल मिक्स है, हम इसको वही सॉइल मिक्स देंगे। देख सकते हैं आप, देखिए हमारा सॉइल मिक्स है ये हम इसको देंगे, जो कि हम कैक्टस लगाने वाले इसको देंगे। हम पहले हम जो पॉट में है उसको रिपोर्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, इसको इसका जो पॉट है इसको निकाल देंगे हम पहले, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम। चलिए आइए शुरू कर। तो देख सकते हैं हम, हमने ये ले लिया है, इसका इजीली निकल गया है गाइस। देखिए गाइस, इसका रूट सिस्टम भी ज़्यादा नहीं है, इसका रूट्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है गाइस, इसीलिए बहुत कम मेंटेनेंस प्लांट है ये। आप भी बाय कर सकते हैं नर्सरी से, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मगर अगर बाय नहीं कर सकते तो आप भी मेरी तरह एक डंडी ले लेकर आ सकते हैं। सो देखिए ये हमने ये इसकी जो रूट में लगा हुआ सॉइल है उसको हम अलग कर देंगे, पहले अलग कर कर हम इसमें लगाएंगे। चलिए आइए अब लगाते हैं हम इसको। हमने ये थोड़ा सा अलग कर दिया है, रूट सिस्टम को नहीं डैमेज करना चाहिए, जो भी उसका रूट जो मेन रूट सिस्टम है गाइस उसको नहीं छेड़खानी करना चाहिए, आपका प्लांट मर भी सकता है अगर वैसे छेड़खानी करोगे तो आप। सो देख सकते हैं आप, ये हमने ये अलग कर दिया है, अब इसको हम रख देंगे ऐसा। रख देने के बाद हमारा जो सॉइल मिक्स है गाइस, हमारा जो पुराना सॉइल है, हम इसमें डालेंगे। तो देखिए हमने जो पुराना सॉइल मिक्स किया था गाइस, हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे गाइस। तो देख सकते हैं आप, हमने ये इसको लगाने की कृपया। सो देख सकते हैं आप, हमने इसको ऐसा लगा दिया है। इसमें हम अब सॉइल डालेंगे जो कि हमारा पुराना सॉइल है गाइस। सो देख सकते हैं हम इसको सैरों सैरों से फिल कर रहे हैं, जो भी कॉर्नर है उससे फिल कर रहे हैं हम। सो देखिए लो मेंटेनेंस प्लांट है गाइस, ज़्यादा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं, आप घर में इजीली लगा सकते हैं, आप इजीली लग जाता है ये, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है इसको, ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वीक में वन टाइम भी डालोगे तो चल जाएगा इसको वाटर। ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करने की ज़रूरत है गाइस इसको, वीक में ओनली, वीक में वन टाइम भी आप वाटरिंग कर दोगे तो चल जाएगा इसको, ज़्यादा वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। सो देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैक्टस का प्लांट रिपोर्ट हमने कर दिया है, जो कि हम ये पॉट में लगाए थे, जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही थी इसकी, अब इसमें लगाए हैं हम।
देखते हैं कितना जल्दी ग्रोथ पकड़ता है इसमें। तो चलिए आइए देखिए। और हमेशा बात जो बोलता हूँ मैं गाइस, जब भी आप रिपोर्ट करते हो तो इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम, ये दो टाइम में करना चाहिए, आफ्टरनून टाइम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनराइज बहुत होता है, धूप बहुत होती है गाइस। सो उसमें आपका प्लांट मर भी सकता है, शॉक में भी जा सकता है, डोमेंसी में भी जा सकता है आपका प्लांट। सो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। चलिए आइए आपको मैं सामने से दिखाता हूँ प्लांट को। सो ये देखिए गाइस, हमारा कंप्लीटली हो चुका है हमारा कैक्टस का प्लांट गाइस। सो देख सकते हैं आप, हमारा कंप्लीटली कैक्टस प्लांट हो चुका है। तो देखिए, ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके आपके पास ला सकें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।